तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग का जो बिक्सबी होता है उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग बिक्सबी के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है मेन्यू में एंड एंड माय अपडेट्स वाले एक्शन में चले जाना है। वहां जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा बिक्सबी और बिक्सबी बैकअप के नए अपडेट मिल रहे होंगे। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 13 मार्च मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया, जिसका साइज है 55 MB.66 MB का एंड देन वर्जन नंबर इज 3.3.02.32। यहां पर आप देखेंगे इस अपडेट में क्या चेंजेस किया गया है। इस अपडेट में आप देखेंगे क्या नया चेंजेस किया गया है। यहाँ पर चिल्ड्रन कैन नाउ यूज बिक्सबी, चिल्ड्रन नाउ मतलब चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। क्रिएट अ चाइल्ड अकाउंट विद इन अ सैमसंग अकाउंट एंड साइन अप फॉर बिक्सबी विद पेरेंट्स कंसेंट। पेरेंट्स कंसेंट के साथ आप बिक्सबी को यूज कर पाएंगे और फिलहाल ये कोरिया और यूएसए में ही वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम पे मोर कंट्रीज में काम करने लग जाएगा। और फिलहाल इसमें क्या नया चेंजेस किया गया अपने इंडिया में एडिशनली फंक्शनल इंप्रूवमेंट किए गए और बग्स को फिक्स आउट किया गया है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए सिक्योरिटी को अपडेट किया जाता है, तो आपको पहले तो उसको अपडेट कर लेना है। यहां पर आप देखेंगे बैक में एक और आपको अपडेट दिख रहा होगा बिक्सबी बैकअप में, वहां पर अगर आप देखेंगे इसमें क्या गया, इसमें कोई नया चेंजेस यहां पर दिखा नहीं रहा, बट फिर भी इसको भी आपको अपडेट कर लेना है। अब एक्चुअल में बिक्सबी वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बट ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि सैमसंग गैलेक्सी में आपको मिलता है। जैसे गूगल का वॉइस असिस्टेंट रहता है गूगल, वैसे ही एलेक्सा और वैसे ही बिक्सबी का काम ये अलग करता है। लाइक है बिक्सबी, तो आप जैसे ही है बिक्सबी बोलेंगे तो ये वर्किंग करता है। फिलहाल मैंने इसको बंद कर रखा है, आपको इसको ओपन कर लेना है अपडेट करने के बाद। ओपन कर लेना है बंद करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। गिव अ बेबी शॉक, ओपन कैमरा इन नाइट मोड, गिव अ जैसी, आप इस तरीके से इसका जो भी लिखे हुए उस तरीके से काम कर सकते हैं। यहाँ से डॉट्स में जाएंगे, सेटिंग में जाके देखेंगे आपको क्या बता रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो अबाउट में नया अपडेट्स के लिए बता रहा होगा जो कि मैं अब कर चुका हूँ, तो वहाँ से हट जाएगा और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बिक्सबी वॉइस पे जाके इसको इनेबल कर लेना है, रिस्पॉन्ड टू माई वॉइस पे जाके आपको इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अभी कैसे यूज करते हैं मैं बता देता हूँ। हे बिक्सबी, ओपन कैमरा एंड टेक माई सेल्फी। तो आप देख रहे होंगे टाइमर लगा के वो फोटो ऑटोमेटिक खिंच गई है, आप जो भी बोलेंगे वो ऑटोमेटिक काम करेगा। हे बिक्सबी, ओपन सेटिंग। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बिक्सबी काम करता है और बहुत सारी चीजें आप करवा सकते हैं यार इसके थ्रू। तो यही नया अपडेट था, और अच्छे से आपको बिक्सबी सीखना हो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आईब्रेन में दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही था कि इस अपडेट में बग फिक्सेस किए गए और सिक्योरिटी को इम्प्रूवमेंट किया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन ऐप्स को हमेशा अपडेट करके रखना चाहिए ताकि कोई भी सिक्योरिटी इशू ना रहे और कोई भी बग आपके पास ना रहे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरे कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मेरे चैनल को देखते तो बहुत सारे हैं, बोल सकते हैं मेरी वीडियोज को देखते तो बहुत सारे लोग हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा मत किया करो यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, तभी तो आपको नई अपडेट सबसे पहले मिलेगी। और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।